कपूर की फिल्म हमारे 12 बुरी तरह से विवादों में फंस गई है, जिसके चलते मूवी की रिलीज डेट टाल दी गई है। पहले ये फिल्म 7 जून को थिएटर्स में दस्तक देने वाली थी, पर फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 जून तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। हाल ही में पुणे के रहने वाले एक शख्स ने पिटीशन दायर की थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद हमारे 12 की रिलीज डेट को 14 जून तक के लिए टाल दिया। हमारे 12 फिल्म ट्रेलर और टीजर के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। आपको बता दें कि फिल्म के कलाकारों को जान से मारने और रेप करने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल इस फिल्म में एक विशेष धर्म के लोगों की कहानी दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं और साथ ही उन पर जबरदस्ती ज्यादा बच्चे पैदा करने का भी जोर दिया जाता है। अनु कपूर ने अपनी इस फिल्म पर हो रहे विवाद को लेकर कहा था कि पहले लोग ये फिल्म देखें और तब जाकर जज करें। उन्होंने कहा कि हमारे 12 नारी सशक्तिकरण और बढ़ती जनसंख्या की बात करती है, ये किसी धर्म और समुदाय की बात नहीं है। वही हाल ही में पुणे के रहने वाले अजहर तंबोली ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और रिलीज पर रोक की मांग की अपील भी की। तंबोली ने कहा कि फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और इसमें कुरान को भी काफी गलत ढंग से दिखाया गया है। यही नहीं, हमारे 12 के कुछ डायलॉग्स पर भी आपत्ति जताई है। फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला, उस पर भी सवाल उठाया गया है। वही जानकारी के मुताबिक वकील अद्वैत सेठना ने बताया कि अब सेंसर बोर्ड से हमारे 12 फिल्म में कुछ कट्स लगाने के लिए कहा गया है। फिल्म से कुछ सीन्स और डायलॉग हटाए जाने के बाद ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड सिर्फ फिल्म को कंट्रोल कर सकता है, उसके प्रमोशनल वीडियो या ट्रेलर को नहीं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।